सो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट, जो बचेगा दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से माइनस टैक्स जो बचता है दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 इज अ फॉर्मूला ऑफ आरओआई। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देता है, तो आपको ये कैलकुलेशन बता रहा है कि नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से माइनस होता है इंटरेस्ट, जो अपन बचा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ सपोज अगर ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट 100 है, टैक्स का क्या होता है कई बार रेट बोल देता है, अमाउंट नहीं बोलता, रेट 20% 30% 40%। तो सपोज टैक्स का रेट अगर 30% बोला है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 70। ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देता है, टैक्स का रेट दे देता है, इंटरेस्ट दे देता है, तो आपको ऊपर जाके क्या निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा। नाउ जस्ट टेक फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सपोज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का अमाउंट दिया है 6,30,000 और टैक्स का रेट बोला 30%, तो अब आप ये अमाउंट मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला अमाउंट अब कैसे निकालेगा? तो बहुत सिंपल, अगर ये 6,30,000 है तो सिंपल सी बात है, दिस इज 70% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैं क्या बोल रहा हूँ, टैक्स का रेट क्वेश्चन में अगर बोल दिया 30% कि टैक्स एट द रेट ऑफ 30% का क्वेश्चन में बोल दिया है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको बोल देता है 6,30,000, तो मेरा क्वेश्चन है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि जो 6,30,000 ये 70% है तो 100% कितना होगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है? तो 6,30,000 अगर हमारा 70% है तो 100% कितना होगा, 9,00,000 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सो दिस फिगर वुड बी 9,00,000। अब इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें जो भी नोट करना नोट कर लो पहले फटाफट। अब उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज इस फॉर्मूला में कैपिटल एम्प्लॉयड है, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? कैपिटल एम्प्लॉयड का दो फॉर्मूला है, वन इज करेक्ट शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस शेयर होल्डर्स फंड्स का मतलब ही तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस हो गया, तो अगर शेयर होल्डर्स फंड्स ले रहे हैं तो फिर अलग से रिजर्व सरप्लस ऐड नहीं होगा। शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, कैपिटल एम्प्लॉयड इज शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज, या इसी फॉर्मूला को अगर अपने एक्सपेंड करते हैं तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, बेसिकली आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, हाँ या ना? हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सभी कुछ हो गया उसमें। एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा और ऑल्टरनेट फॉर्मूला है नॉन करेंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट्स मतलब फिक्स एसेट्स,
करंट एसेट जानते हैं, करंट लाइबिलिटीज जानते हैं, और इसी को अगर अपने चाहें तो ये मालूम है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज को क्या बोला जाता है, वर्किंग कैपिटल। तो इसी फॉर्मूला को आप ये भी तो बोल सकते हो कि इट इज नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ये भी तो बोल सकते हैं अपने, राइट। वेल, अब कुछ एक इलस्ट्रेशंस नोट करो फ्रॉम द फॉलोइंग, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप एक काम करना, ऊपर हेडिंग में ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जहां लिखियो, ऑब्लिक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लिख लेना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। चलो अब लिखो, शेयर कैपिटल 50,000 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट आर ओ आई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट आर ओ आई, शेयर कैपिटल 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस 25,000, फिक्स एसेट्स 210,000, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 15,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स 25,000, करंट एसेट्स 110,000, ट्वेल्व परसेंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 200,000, करंट लाइबिलिटीज 85,000, 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 200,000, करंट लाइबिलिटीज 85,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, एक और, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 140,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 140,000, 15% लॉन्ग टर्म डेट्स 15% लॉन्ग टर्म डेट्स 400,000, शेयर होल्डर्स फंड्स 240,000, टैक्स रेट 50%, 50, कैलकुलेट आर ओ आई। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट
आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख, करेंट एसेट्स 4 लाख, करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख, टैक्स रेट 20%, फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, टेन परसेंट लॉन्ग टर्म डेट्स 4 लाख। कैलकुलेट आरओआई, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, 20% द टैक्स रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 25,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स 8,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 25,000, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स 8,000, टैक्स 12,000, नॉन करेंट एसेट्स 3 लाख, करेंट एसेट्स 1,50,000, करेंट लायबिलिटीज 1,25,000, 1,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 2,70,000, 2,70,000, 10% डिबेंचर्स 4 लाख, 1 लाख, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000, टैक्स का रेट 50%, फिफ्टी। नेक्स्ट, अ कंपनी हैज अ लोन ऑफ, रुपीज 20 लाख्स as part of its capital employed, 20 lakhs, as part of its capital employed, the rate of interest on such loan is 15%, and the ROI
ऑफ द कंपनी इज 25%, फुल स्टॉप. रेट ऑफ इनकम टैक्स इज 40%. Stop. What is the gain to the shareholders? What is the gain to the shareholders due to the loan raised by the company? Due to the loan raised by the company. First वाले का answer क्या आया? 3.54, 30.54%. सबका आ गया? नहीं, कुछ और आ रहा है. तो सर अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है. कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कुछ माइनस नहीं होगा. सिंपल जो लिखा है, शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज व्हाट? 50,000 इज योर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 25,000 प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है ना 2 लाख. तुम्हारा कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2,75,000 एंड हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, लेकिन वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60,000 दिया हुआ है. उसमें क्या करेंगे आप? परफेक्ट. इंटरेस्ट को ऐड बैक करेंगे. इंटरेस्ट कितना होगा? 2 लाख का 12%, 24,000. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 84,000 पूरा लिख के किए होंगे आप लोग. 84,000 डिवाइडेड बाई 2,75,000 इंटू 100 कितना आ रहा है आंसर? 30.54%. सेकेंड क्वेश्चन, पहला वाला कंप्लीट है सबका? सेकेंड वाले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स 1,40,000 है. उसमें एड बैक इंटरेस्ट किए होंगे कितना रुपया? 60,000 ना. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया? 2 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड 2,40 और 4 लाख. कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख है, हाँ या ना? तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 6,40,000 इंटू 100 31.25%. कोई शक? थर्ड वन. तीसरा वाला में नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 1 लाख. नाउ नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1 लाख. टैक्स का रेट बोला है 20%. इसका मतलब ये जो टैक्स है, ये जो प्रॉफिट है, ये 80% है. तो इसमें अगर आप टैक्स ऐड बैक करना चाहते हैं तो 1,00,080 इंटू 100 करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा. इंटू 20 करेंगे तो टैक्स का अमाउंट आ जाएगा. एक ही बात है. तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,25,000 आप डायरेक्टली इंटू 100 करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 1,25,000 एड इंटरेस्ट 10% ऑफ 4 लाख 40,000. तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 165 आ गया. नाउ 165 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज 8 लाख आ रहा है. इनटू 100 20.625 है तो 63 हो जाएगा वो, या 625% या 63 हो जाएगा वो. 625 है ना, तो 63% हो जाएगा.
कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा? जीपी वाला क्या? अब देखो उसमें जीपी अपने को दिया है 1 लाख, उसमें से आप ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 10,000 माइनस करोगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 25,000 माइनस करोगे, इंटरेस्ट तो माइनस होगा नहीं, टैक्स माइनस होगा नहीं, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ रहा है? 65,000। नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, करेंट लाइबिलिटीज दिए हैं, उससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ रहा है? 3,25,000। 65,000 डिवाइडेड बाई 3,25,000 इंटू 100, 20% हो गया। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से, अपने को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना होगा, उसके लिए पहले आप बताओ मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस, ये क्वेश्चन नहीं था क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? अच्छा ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व एंड 10% डिबेंचर्स, सबको ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड 11,70,000। अब आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना दिए हैं? 80,000 दिए हैं, टैक्स का रेट 50% है, तो 80,000 बाई 50 इंटू 50 करेंगे तो टैक्स 80,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप डायरेक्टली इंटू 100 के निकालेंगे तो भी 1,60,000 आएगा, एड इंटरेस्ट 40,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,00,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 2,00,000 बाई 11,70,000 इंटू 100, 17.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट गेन टू द शेयर होल्डर्स, वेरी गुड आंसर, 1,20,000 है, दैट्स वंडरफुल। नेट गेन टू द शेयर होल्डर्स का क्या मतलब? सिंपल यार, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। बात समझो आप, कंपनी ने 20,00,000 का लोन लिया है एंड कंपनी का आरओआई है कितना परसेंट? 25%। आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में, कॉमर्स में पढ़ा होगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग, जिसका मतलब क्या होता है कि आप दूसरों का पैसा, आउटसाइडर्स का मनी यूज करके शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। आप 20,00,000 का लोन यूज़ कर रहे हो, उस लोन के ऊपर तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है? खाली 15%, जबकि आप 25% कमा रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जितना पैसा लगाए हैं उस पर हम कमा रहे हैं 25%, तो वो हो गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। 20,00,000 का 25% इज नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना हुआ? 5,00,000। 5,00,000 में से आपको लोन के ऊपर में इंटरेस्ट 20,00,000 के ऊपर 15% इंटरेस्ट पे कर देना है, 3,00,000 आप इंटरेस्ट पे कर देंगे, बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,00,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 2,00,000, उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट बोलता है भाई हमको टैक्स दो 40%, दे दो आराम से आप 80,000,
1,20,000 बचा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यार यही तो शेयर होल्डर्स के लिए बिलोंग करता है। तो दिस इज द नेट गेन टू द शेयर होल्डर्स, नथिंग एल्स। बिल्कुल क्लियर।